मैं हूं शाहान और आप देख रहे हैं एनबीआर बाइक का शाहान। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जाकर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी अपडेट के लिए। आज मेरा बाइक के रिलेटेड वीडियो है, तो सबसे पहले हम लोग साइड कवर को खोल के पहले एयर फिल्टर को चेक करेंगे कि एयर फिल्टर में कोई जाम हो रहा है उसके वजह से कि गाड़ी मिसिंग कर रहा है कि नहीं। तो पहले एक बार एयर फिल्टर को खोल के एक बार देख लेते, क्योंकि मैंने उस गाड़ी का करंट पहले चेक किया था लेकिन करंट तो पूरा पूरी आ रहा है लेकिन गाड़ी उसके बाद भी गाड़ी मिसिंग करता है। तो किसके लिए करंट का मिसिंग ना, आपका कोई दूसरा का वजह से मिसिंग कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में मैं डायरेक्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एयर फिल्टर को खोल के एयर फिल्टर को चेक करेंगे। अगर एयर फिल्टर खोलने के बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग कार्बोरेटर में जाकर चेक करेंगे कार्बोरेटर को खोल के। तो फिलहाल एयर फिल्टर खोलने के बाद आप देख ही सकते कि खोलने के बाद एयर फिल्टर मैंने खोल दिया, खोलने के बाद अभी देख सकते कि एयर फिल्टर में इतना लेथरा फंसा हुआ है। और पल्सर बाइक के ऊपर में मैंने बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको अभी आई बटन में लिंक आ रहा है तो वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते। गाड़ी 2 महीने या 3 महीने पुराना होने के बाद आप एक बार एयर फिल्टर को जरूर एक बार खोल के सफ़ा करना चाहिए उसको। अभी देख ही सकते कितना है अब। तो एयर फिल्टर को खोलने के बाद हम लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट किया था लेकिन गाड़ी उसके बावजूद भी गाड़ी मिसिंग कर रहा है। चले कोई बात नहीं, कार्बोरेटर का नीचे में एक स्क्रूप होता है तो उसमें अगर कोई अंदर में अगर लेथरा फंसा हुआ रहता उसके बाद भी अगर पानी होता है या कुछ होता है तो मिसिंग करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने खोल के पहले पेट्रोल को फेंक के देखा है कि अगर पानी होगा तो पानी चला जाएगा, गाड़ी मिसिंग छोड़ देगा। तो अभी खोल के अभी पानी को फेंकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने अभी एयर फिल्टर कार्बोरेटर का पानी फेंक दिया, उसके बावजूद भी गाड़ी सेम पोजीशन में आ रहा है, गाड़ी अभी भी मिसिंग नहीं रुक रहा है। तो अभी चलिए कोई प्लग कवर खोल के भी चेक कर लेते हैं। प्लग खोलने के बाद हम अभी चेक करेंगे एयर फिल्टर कार्बोरेटर को खोलना पड़ेगा गाड़ी को। फिलहाल आप देख ही सकते कि अभी एक प्रॉब्लम क्यों इशू हो रहा था, अभी हम लोगों ने कार्बोरेटर को साइड में से खोल दिया है। खोलने के बाद अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल अभी जो मिसिंग हो रहा था हम लोग का किस चीज़ के लिए मिसिंग हो रहा था। पहले तो सब कुछ एयर फिल्टर सब कुछ चेक करके देख लिया है, अभी आप देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा कचरा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी उसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तब आप देख सकते हाथ में जो छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा टुकड़ा जो वो जाके बड़ा वाला जेट है उसका लाइन पे जाम हो रहा था, इसी वजह से कि गाड़ी पेट्रोल खींच नहीं पा रहा था। जैसे कार्बोरेटर पेट्रोल को खींचता है ये बड़ा वाला जो पिन होता है उसी के थ्रू, तो ये खींच के तेल पेट्रोल सप्लाई दे नहीं पा रहा था, इसी वजह से गाड़ी में मिसिंग हो रहा था। तो प्रॉब्लम यही था। तो कभी कभार आपका ये अगर ऐसा प्रॉब्लम निकले तो आप एक बार ये ज़रूर खोल के एक बार आप ये वॉश कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी ये मेरे हाथ में एयर फिल्टर आप देख सकते कितना लेथरा है एयर फिल्टर में। तो आप लोगों को ये गलती मत नहीं करना कि इतना 3 महीना 4 महीने के बाद एक बार खोल के ज़रूर एयर फिल्टर को एक बार खोल के वॉश कर दीजिएगा, तभी जाके इतना कचरा जमा नहीं होगा तो प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा। अगर एयर फिल्टर जाम रहता है तो आपका गाड़ी फ्यूल जो होगा जो माइलेज जो होगा वो माइलेज पूरा कमती हो जाएगा, माइलेज पूरा पूरी कमती हो जाएगा गाड़ी पर। जिस जगह पर आपको पर आवर अगर 40 दिखा रहा है तो उसमें आपको 30 दिखाएगा, क्योंकि वो हवा ठीक से खींच नहीं पा रहा है इसीलिए फ्यूल ज़्यादा गाड़ी लेगा। तो इसीलिए यही था हम लोग का प्रॉब्लम और कैसे वॉश कर रहा है आप थोड़ा हाथ में देख लीजिए, ऐसे वॉश कर दीजिएगा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो पर आपके साथ, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को तो जाकर लाइक कर दीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मेरा वीडियो उसको सेंड कर दीजिएगा और देख देख के काम कर देगा उसका गाड़ी। थैंक यू गाइस। तो अभी इसको सूखने के लिए अभी जैसे कि 5 मिनट का जैसे रखने से हो जाएगा, धूप में थोड़ा सूखने के लिए रख देगा उसको, जितना भी पेट्रोल हो चला जाने के लिए।